हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको करेले के बारे में बताऊंगी। इसके अंदर भरपूर गुण होते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हमें हफ्ते या 15 दिन में ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में, जूस के रूप में या सब्जी के रूप में। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ करेले की। इसमें जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी, जो 10 मिनट में ये जो सब्जी है करेले की वो तैयार हो जाएगी। इसमें जो है धनिया पाउडर मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा आमचूर, देगी मिर्च, नमक स्वादानुसार, हल्दी और सौंफ। मैं इसमें सौंफ का तड़का मारूंगी, इससे जो है इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ जाएगी। और हाँ, आप ये ज़रूर हींग ज़रूर डालिएगा इसको, जो है हींग डालने से इसका जो टेस्ट है और अच्छा आ जाता है। मैंने इसमें अब एक तेल, फ्राई पैन में एक तेल गरम कर दिया है, उसमें मैंने सौंफ डाल के करेले इसमें मैंने डाल दिए कट करके, गोल पीसेस में मैंने इनको कट किया था। अभी ये मैं इनको ऐसे ही 5-7-10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें प्याज डालूँगी। लाइट ब्राउन से हो जाए तब इसमें आप प्याज डाल दीजिए। मैंने इसमें एक बड़ा ओनियन जो है बड़ा कट करके स्लाइस, लंबे लंबे स्लाइस करके मैंने इसमें कट कर दिया है। बस इसको 5 मिनट इसको भी ऐसे करके भूनना है, ये भी इसमें सारा मिक्स हो जाएगा। बस इसको ही आप, बस इसी को ही आपको बस स्लो मीडियम आंच पे इसको जो है इसको भूनते रहना है। इसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल चला जाएगा इसका ऐसे फ्राई करते हुए। और ये खाने के लिए हमारे लिए इतने टेस्टी होते हैं, मगर कई लोग इसे जो है बहुत ही गिने चुने लोग ही जो करेले को खाते हैं, मगर कईयों को ये नहीं पता करेले में इतने गुण पाए जाते हैं इसके। तो ये तो औषधि होती है हमारे बॉडी के लिए। मैं इनको ऐसे भूनती रहूँगी। एक्चुअली करेला जो है ना हमें 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर एक बार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है उसको ये बढ़ाता है। और इसको चाहे आप कैसे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जूस में या करेले की सब्जी बना के, जैसे भी हम इसको हमारी बॉडी के अंदर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी ये कंट्रोल करता है। बस इसको मैं ऐसे ही भूनती रहूँगी, इसको फ्राई करती रहूँगी, इसको हिलाते रहना है ऐसी करके, इसका जो कड़वापन भी बिल्कुल हल्का होता चला जाएगा। फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दूंगी, नमक मैं इसमें डाल दूंगी स्वादानुसार, साथ ही साथ में मैं इसमें डाल दूंगी देगी मिर्च। ये कलर देगी मिर्च होती है, इसमें ज़्यादा कोई इतना खास तेज मिर्च नहीं होती है। हल्दी मैं इसमें डालूंगी, हल्दी तो जानते ही आप हर खाने में ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक होती है। मैं इसमें डाला मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें आमचूर पाउडर भी डालूंगी थोड़ा सा खटास के लिए। बस इन सबको फ्राई कर देना है ऐसे करके, और कम आंच पे ही इसको ऐसे ही हिलाते रहना है इसका। ये हल्की हल्की सी भूनने लग गई है, और जब हम इसको खाएंगे किसी भी दाल चावल के साथ, किसी भी खाने के साथ हम इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही करारी करारी सी होती है। एक्चुअली मेरे बच्चे पहले खाते नहीं थे, तो अब ये भी उन्होंने को भी मैंने ज़रूर देना शुरू कर दिया है। मैंने ये मेरी करेले की सब्जी तैयार है। ये मेरी करेले की सब्जी रेडी हो चुकी है, कुछ ही मिनटों में आप ही के सामने मैंने ये करेले की सब्जी बिल्कुल तैयार करके दिखा दी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।